रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तलबा व तालबात की हौसला अफजाई के लिए एक अच्छी सिमत, एक अच्छी राह पर गामजन है। और लोगों की नेक ख्वाहिशात, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और हम इसीलिए रोज़ बरोज़ नित नए शख्सियात के साथ और नए नए अचीवमेंट्स हासिल करने वालों के साथ जो है हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई का बाइस भी बन रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो आने वाले तलबा व तालबात हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, हम उनके लिए भी एक तहरीक का हम बाइस बन रहे हैं। ऐसी हमारी कोशिश भी है और हम उस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। आइए आज इसी सिलसिले की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शहर की हारून अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल की एक फ़ाल मुअल्लिमा मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा, जो कि हाल ही में मालेगांव शहर पर के लेवल पर होने वाले एक ऑल मालेगांव मजमून नवेसी मुकाबले में, जो कि असातिज़ा के लिए मख्तस था, उस मुकाबले में आपने पूरे शहर में अव्वल मकाम हासिल किया है, जो कि इंतहाई सआदत की बात है, बहुत ही खुशी व मसर्रत का मकाम है कि आज मौसूफ़ा जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ फरमा है। हम मोहतरमा का इस्तकबाल करते हैं और अपनी जानिब से एक कलम का तोहफ़ा उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। शुक्रिया सर। ये एक हौसला अफजाई जो है हम ज़रूरी समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मोहतरमा, आप तो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि आपने ऑल मालेगांव लेवल पर जो है अव्वल मकाम हासिल किया है, आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मुकाम दिलाया। उसके बाद अपने वालदैन और ख़ास तौर पर अपनी हेड मिस्ट्रेस साहिबा रशीदा मैडम का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी हौसला अफजाई की वजह से मुझे लगता है शायद मैं इस मुकाम पर पहुँची। इसके अलावा इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उनकी भी मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस अहम प्रोग्राम को का इनेकाद किया जो कि इस वक्त की ज़रूरत थी। बहुत अच्छी बात है। यकीनन मौके की मुनासबत से मुनाकिद किया गया ऑल मालेगांव मजमून नवेसी का मुकाबला जो था वो हालात हाजरा से टच में था और उसके अनावीन भी जो थे वो चार उनवानात दिए गए थे और चारों उनवानात जो हैं वो ऑनलाइन तर्ज तालीम और तलबा तलबात की अखलाकियात के ऊपर जो है वो उनवानात दिए गए थे, जिसमें से शरी के मुकाबला को ये इख्तियार था कि वो किसी एक मजमून पर तबा आजमाई करे, जिसमें मौसूफ़ा ने बेहतरीन मजमून रकम किया और अव्वल इनाम जो है उन्होंने हासिल किया। बहुत मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपने कौन से उनवान को मुंतखब किया था और कौन कौन से उनवानात आपको दिए गए थे और आपने क्यों उस उनवान को जो है मुंतखब किया। तौर पर चार उनवान थे और चारों ही ऑनलाइन निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता थे। मेरा जो उनवान था वो मरकज़ी उनवान था, जो कि ऑनलाइन निज़ाम तालीम मुश्किलात और हल। इस उनवान को चुनने के पीछे मेरा यही मकसद था कि जो मजमूई तौर पर जो ऑनलाइन निज़ाम तालीम में मुश्किलात जो पेश आ रही हैं और उसके जो मसाइल हैं, मुझे ऐसा लगता था शायद मैं इसका मजमूई तौर पर एक अहाता कर सकती हूँ और जिसकी मैंने कोशिश की लिखने की, क्योंकि हम अभी भी इस अमल में, ऑनलाइन तदरीस के अमल में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं, तो इसी दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो मैंने इसी पर कोशिश की इसके मुश्किलात और इसके हल तजावीज़। ऑनलाइन तर्ज तालीम मुश्किलात और हल,
इस उन्वान को आपने मुंतखब किया और उस पर तबा आजमाई की, उस पर तकरीबन 2500 अल्फाज पर आपने मुश्तमिल मज़मून लिखा और अव्वल इनाम के हकदार करार पाईं। यकीनन एक तरह से बड़ा मुश्किल अम्र होता है जब हम किसी उन्वान को सिलेक्ट करके उसके ताल्लुक से जो है सारी मालूमात को जमा करके एक मज़मून की शक्ल अव्वल इनाम का हकदार करार दिया गया, तो आपने मज़मून में ऐसे कौन से मशमूलात लिखे या ऐसी कौन सी बातें लिखी जो जजेस की नज़र में आपका मज़मून आया, वो आप हमारे नाज़रीन को। मज़मून जो था उसकी पाबंदी थी 2000 से 2500 अल्फाज में लिखना था, तो मैंने भी उसकी पाबंदी की, उतने ही अल्फाज में उसको समोया। लेकिन अपने जो ज़ाती तजुर्बात हैं और जो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स की वर्क गर्दानी करने के बाद जो इसका निचोड़ मेरे सामने आया, वो मैंने अपने मज़मून में डालने की पूरी कोशिश की। मैंने लिखा कि ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि बच्चे भी और तलबा जो तालबात हैं और हम खुद और जो उनके वालदैन हैं, वो किन दुश्वारियों का सामना इस ऑनलाइन निज़ाम तालीम में कर रहे हैं। इसके अलावा इनको प्रैक्टिकली खुद अपने ऊपर महसूस करने के बाद मैंने इनका एक हल पेश किया और काफ़ी हल पेश किए, ताकि आगे अगर इस तरीके के कुछ यानी ये जो वबाई दौर चल रहा है, ये तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे अगर ऐसे कुछ मौके आते हैं जहाँ पे इस तरीके के हालात बनते हैं, तो हम उसके लिए दोबारा तैयार रहें। क्या बात है, वाह। क्योंकि ये जो ऑनलाइन निज़ाम तालीम है सर, इसको मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू रखा जाए। जब बच्चे हमारे पास फिज़िकली आ भी जाएँ तो भी ये निज़ाम तालीम रखा जाए, इसको ख़त्म ना किया जाए। मौसम सरमा की जो तातीलात होती है, मौसम गर्मा की जो तातीलात होती हैं, इसके अलावा जुमा और जो इतवार का दिन होता है, जो वुमन छुट्टियों का दिन होता है बच्चों का, तो मैं चाहती हूँ कि इस दिन कुछ ऐसी क्लासेस अरेंज की जाएँ कि ऑनलाइन ली जाएँ, तो उससे तलबा एकदम मुनक़ते नहीं होंगे बल्कि इससे वाबस्ता रहेंगे, और अगर ऐसे कुछ हालात बनते हैं तो वो अपना ये जो तालीमी नुकसान है वो नहीं करेंगे। क्या आपने इस वबाई दौर में जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो तालीमी निज़ाम जो है वो मुतासिर हुआ है, और बिल्कुल भी बोलना चाहिए कि बंद हो गया है, स्कूलें तो बंद ही हैं, लेकिन ऑनलाइन जो तर्ज तालीम जा रही है ये एक तरह से अजाफी आपने उसको महसूस करते हुए उसको आपने मुस्बित पहलू में लिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चूँकि इसमें काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो उन दुश्वारियों का भी आपने तस्करा किया? काफ़ी दुश्वारियों का पूरा मैंने अपने मज़मून में तीन अलग अलग सेक्शंस रखे, जिसमें पहले सेक्शन में जो ये पूरे वबाई बीमारी है, ऑनलाइन निज़ाम तालीम है, ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है अभी, उसके बारे में बताया। फिर दूसरे हिस्से में अपने इसमें पेश आने वाली दुश्वारियाँ ना सिर्फ तलबा को बल्कि टीचर्स, उसके अलावा जो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो और बच्चों को जो जो मसाइल आ रहे हैं, जो जो हमने फेस किए हैं, बच्चे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि हमको ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, तो वो तमाम मसलों को एक सेक्शन में रखा। इसके बाद मेरे नज़र में जो मुमकिन इसकी तदाबीर लग रही हैं उसको मैंने हल वाले सेक्शन में रखा, और कोशिश की कि ये जो हल है ये आगे जाए, और इसको यानी हमारे सिर्फ ना सिर्फ हमारे गांव के यानी इसमें बाकी आगे भी इसको पेश किया जाए और इसके ताल्लुक से कुछ हल और निकाले जाएं, ताकि इसको यानी मुअस्सर बनाया जाए। सिर्फ ऑनलाइन निज़ाम में तालीम देना वो नहीं है, इसको मुअस्सर और आसान बनाना क्या है, एक टीचर का एक नज़रिया कि वो किस तरह से मौजूदा हालात को अपने फेवर में करते हुए अपने मामलात को, अपने तालीमी जो मामलात हैं उसको जारी रखे, ये एक ये बेहतरीन चीज़ है। यकीनन ये मज़मून जब अफशा होगा या शाये होगा या ब्लॉग पर आएगा या और किसी ज़रिए से नाज़रीन तक पहुंचेगा, तो यकीनन इससे माहिरीन तालीम भी जो है वो इस्तेफादा करेंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी तालीमी काबिलियत भी बतलाएँ कि आपने कहाँ से अपनी केजी की तालीम हासिल की, केजी तब पीजी आपने जहाँ जहाँ भी तालीम हासिल की, और क्या क्या हासिल किया आपने वो हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं जूनियर केजी से लेकर 10th तक की जो तालीम थी मेरी वो मैंने जेटी से हासिल की, जेटी गर्ल्स हाई स्कूल। फिर उसके बाद 10th के बाद मैं 880 में शिफ्ट हो गई, 11th और 12th मैंने वहाँ से कम्प्लीट किया साइंस से। उसके बाद जो है 880 से ही मैंने डीएड कम्प्लीट किया। अच्छा, डीएड कम्प्लीट करने के बाद मेरा डीएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने अपना बीएससी का कोर्स कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जो कि केमिस्ट्री से था,
और अभी उसके बाद मैं तालीम से वाबस्ता हो गई, दरस व तदरीस के इसमें आ गई हूँ, तो चाहती हूँ कि आगे बीएड या फिर एमएससी को कंटिन्यू करूँ। क्या बात, और आगे सिविल सर्विसेज में जाने का थोड़ा कुछ प्लान है। तो अच्छी बात है, एक टीचर रहते हुए दरस व तदरीस के फ़राइज को अंजाम देते हुए अगर आप अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखते हैं, सीखने का अमल अगर आप जारी रखते हैं, तो यकीनन ये बाईस सद इफ्तिखार बात है, और साथ ही साथ न सिर्फ काबिल तारीफ बात है बल्कि काबिल तकलीद भी है। हमारे बेशतर असातिज़ा ऐसे हैं जो अपने दरस व तदरीस के फ़राइज से वाबस्ता होने के बाद जो है अपना सीखने का जो है वो तर्क कर देते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि वो अपने तालीमी सिलसिले को जो है वो जारी रखें। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मैं चाहूँगा कि आपने जो तालीमी सफ़र को यहाँ पर बयान किया है, तो यकीनी बात है कि जिस वक्त आप दरस व तदरीस से वाबस्ता रहते हुए कामयाबी हासिल कर रही हैं, अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, तो यकीनन आपके अपने तालीमी सफ़र में भी आपको अचीवमेंट्स मिले होंगे, कुछ कामयाबियां, कुछ यादगार लम्हे आपसे होकर गुजरे होंगे, तो वो भी हमारे नाज़रीन को बतलाएं। ज़माने तालिबे इल्मी से ही मैंने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन दरस व तदरीस से वाबस्ता होने के बाद मैंने सिलसिले को मुनक़ते नहीं किया। क्या दरस व तदरीस से वाबस्ता रहते हुए मैंने मुख्तलिफ मुकाबलों में जो असातिज़ा के लिए रखे जाते हैं तो उसमें भी शिरकत की है, सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं बल्कि मुंबई और भिवंडी जैसे शहरों में भी जो मुकाबले रखे जाते हैं तकारीर के, फिलबदी मुकाबले रखे जाते हैं जिनमें ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है, उस पर बोलना होता है, उसमें भी मैंने गुज़िश्ता 2 सालों से शिरकत की है और वहाँ भी मैंने इनामात अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किए हैं। इसके अलावा मैं अपने तलबा को, जहाँ मैं हारून अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ, लड़के होते हैं हमारे साथ, तो जो लड़के हैं मेरे स्कूल के तलबा हैं, बच्चे हैं, उनको भी मैंने तकारीर के लिए रेडी किया है 2 साल से, और बच्चे जब आगे बढ़ते हैं स्कूलों में हम उनको ले जाते हैं, वहाँ वो अच्छा नुमाया पोजीशन हासिल करते हैं, उसकी खुशी हमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टीचर जो है बहैसियत टीचर उस वक्त कामयाब होता है जब उसके तलबा उसके बच्चे कामयाब। क्या बात है, वाह। तो अपने अंदर जो सलाहियतें हैं सर, जो इल्म है, वो मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर अपने तलबा में मुंतकिल करूँ। क्या बात, और वो सीख रहे हैं, यही मेरा अचीवमेंट। बहुत ज़बरदस्त बात है, यकीनन ये एक अच्छा एहसास है जो हर टीचर के अंदर होता है, हर टीचर के दिल में जो है इस एहसास को महसूस किया जा सकता है। यकीनन ये काबिल असातिज़ा की निशानियों में से है और आपने वो यहाँ पर जाहिर किया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि मौजूदा जो लॉकडाउन का दौर जो गुज़र रहा है, जो कोरोना महामारी की वजह से स्कूलें बंद हैं, निज़ाम तालीम बुरी तरह से मुतासिर है, और ऑनलाइन एजुकेशन कुछ हद तक जारी है, दिया जा रहा है, टीचर्स अपनी सी कोशिशों में लगे हुए हैं, तो ये कितना मुतासिर कुन है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं, या आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, तजुर्बात रहे हैं, वो हमारे नाज़रीन। मैं समझती हूँ सर कि ये जो कोरोना की वबा है और ये जो लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा है, तो इससे हर एक शोबा मुतासिर हुआ। बिल्कुल। लेकिन जो ये तलबा हैं, ये जो बच्चे हैं, ये हमारे कौम का सरमाया है और ये उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो ये चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन निज़ाम तालीम जितना मौसर हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आता है, बातनी तौर पर काफ़ी उसमें खामियाँ हैं। बिल्कुल। तो हमने इसकी काफ़ी कोशिश की, उसके मसाइल के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया, और शुरू में जो बच्चों का नुकसान हो रहा था, तो ऑनलाइन निज़ाम तालीम में एक सूरत नज़र आई कि इसी तरीके से बच्चों को इनकी जो तालीम है इसको जारी रखा जा सकता है घर पर रहते हुए भी। इसमें काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आई, लेकिन हमने इसको कंटिन्यू रखा। बच्चों को नोटबुक्स वगैरह नहीं वो बना सकते अभी, वो घर पर हैं, कैसे वो बनाएंगे, तो हमने उनको वर्कबुक वगैरह अपने हाथों से बना कर दी ताकि वो घर पर रहते हुए भी ऑनलाइन निज़ाम तालीम से कुछ सीखें, और ऑनलाइन उन्हें पढ़ाया, लाइव पढ़ाया। जूम ऐप मुतारिफ हुआ था जून में, तो जब से हमने इसको कंटिन्यू किया, रोज़ आना बिला नागा, सिर्फ जुम्मा के दिन की हमारी छुट्टी होती है बल्कि रोज़ आना हम लोग पीरियड्स लेते हैं बच्चों के, उनको सिखाते हैं, एग्ज़ाम वगैरह उसी तर्ज पर लिए गए हैं, ऑनलाइन लिए गए हैं। और यहाँ पर बड़ी नासिपासी होगी अगर मैं अपने हेड मिस्टर साहबा और जो हमारे इंतज़ामिया हैं उनका ज़िक्र ना करूँ। जो हमारे चेयरमैन हैं जनाब अंसारी निहाल अहमद साहब, उनका ज़िक्र खैर करूँगी कि उन्होंने हमारी इस सिलसिले में काफ़ी रहनुमाई की। अच्छा। जिस वक्त से हमारे स्कूल में ऑनलाइन निज़ाम तालीम शुरू हुआ, तो हमें भी काफ़ी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा,
क्योंकि मोबाइल को उस वक्त ऑनलाइन निज़ाम तालीम के इससे हम देख ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, हम सिर्फ, जबकि उस वक्त भी वीडियोस वगैरह मौजूद थे, काफ़ी स्कॉलर्स के वीडियोस थे, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे थे। हम मोबाइल से सिर्फ कॉलिंग, मैसेजिंग और कुछ भी मतलब देखने के लिए ही यूज़ करते थे। लेकिन जब से ये मुतारिफ हुआ, हमारे स्कूल में ऑनलाइन निज़ाम तालीम की शुरुआत हुई, तो चेयरमैन साहब ने भी हमारी इसमें काफ़ी रहनुमाई की। वो भी हमारे हर काम में असातिज़ा की जो भी दुश्वारियाँ पेश आ रही थी उसमें फ़ाल और सरगर्म रहे हैं। तो जो आपका सवाल था कि ये कितना मुअस्सर है, तो ये उतना मुअस्सर तो नहीं है सर, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो है। हाँ, ये तो। और मेरे स्कूल में जो मेरे तजुर्बात रहे हैं, उस बिना पर मैं कहूँगी कि हमने अपने स्कूल में 60% तो कुछ अचीव किया है। क्या बात है। क्योंकि फिजिकली तो बच्चे हमारे पास नहीं है, वो एक अलग ज़माना होता था, जैसे लग रहा है कि बच्चे हमारे सामने बैठते थे और हम उनको पढ़ाते थे, वो सीख लेते थे, लेकिन ये एक अलग चीज़ हो गई है। लेकिन फिर भी 60% मैं समझती हूँ कि अचीव हमने किया है। हाँ। लेकिन ये उतना मुअस्सर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर चाहें तो इसको मुअस्सर बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने अपने मज़मून में किया होगा कि आप मौजूदा जो दौर गुजर रहा है, इस दौर में तलबा अपने सरपरस्त और अपने वालदैन और अपने असातिज़ा से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके काफ़ी कुछ तलबा जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से महरूम हैं। तो आप ऐसे तलबा को क्या हदायत या क्या मशवरा देना चाहेंगे? अपने तलबा को, बच्चों को ये हदायत देना चाहूँगी, ये मशवरा देना चाहूँगी कि जो ये छुट्टियाँ उनके लिए, जो वो मान रहे हैं कि ये छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये छुट्टियाँ ना समझते हुए इसको वक्त गनीमत जाने। क्या बात। और इसका सही इस्तेमाल करें, इसको अपने सही कामों में इस्तेमाल करें। यानी ये जो पीरियड में उनका जो भी नुकसान हुआ है, तो उसको पॉजिटिव वे में उसको कंप्लीट करें, क्योंकि इसके लिए उनको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इंशाल्लाह जनवरी से अगर स्कूलें खुल जाती हैं बाकायदा तौर पर, तो उनको डबल मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उनके पेरेंट्स को भी उनका साथ देना ज़रूरी है, है ना। और वो भी उनकी हौसला अफजाई करें, उनको डांटे ना ज़्यादा, वो ना करें, आगे उनको बढ़ने के लिए तरगीब देते रहें। बराबर है ना। इसके अलावा जो है, बच्चे जो होते हैं ऑनलाइन निज़ाम तालीम, जब इन्हें ऑनलाइन जब हम क्लासेस लेते हैं उसके दौरान ऑनलाइन इन्हें तालीम के साथ साथ वो गेम्स खेलते हैं। हाँ। या फिर जो मुखरिब अखलाक जो वीडियोज़ होते हैं वो कुछ देखते हैं, तो ये ना करें, इससे गुरेज करें। ये मैं आज के जो तलबा हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये मशवरा देना चाहूँगी कि मतलब इस वक्त को गनीमत जाने। इसके अलावा आप जब आगे फील्ड में जाएंगे, तो सिर्फ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर ही ना बने, मतलब वो बने, लेकिन इसके अलावा सिविल सर्विसेज में ज़्यादा अपना आगे जाएं, क्योंकि हमारे तलबा, मुस्लिम तलबा इस चीज़ में काफ़ी पीछे हैं। तो इसके लिए अभी से मेहनत उनको करनी पड़ेगी, एक विज़न बनाएं अपना और आगे बढ़ें उसके लिए। इसके अलावा मराठी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान को तरजीह दें। मैं अपने स्कूल में मराठी की टीचिंग करती हूँ सर। अच्छा। इसके अलावा मराठी और इसकी ये जो अंग्रेज़ी ज़बान है, इसकी तदरीस जो है और बच्चों को सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाकर यही चीज़ में हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं सर। सही बात। कि यही चीज़ उनके अंदर नहीं होती, वो वजह से वो पीछे हो जाते हैं। तो वक्त को गनीमत जाने, अपने अंदर जो है संजीदगी लाएँ, वक्त की पाबंदी करें, मुस्तकिल मिजाजी वगैरह जो अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि जो ज़हानत है वो मुस्तकिल मिजाजी और लगातार मेहनत से ही पूरी होगी। अगर इतना सब कुछ बच्चे करते हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी। इसके अलावा जो ये वक्त है, इसमें सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीज़ों में भी हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमने देखा है इस लॉकडाउन के पीरियड में, कुछ बच्चे हमारे स्कूल के हैं, दूसरे स्कूल के, स्कूल जो बच्चे हैं नॉर्मली, उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया। क्या बात है। दूसरे कुछ अलग अलग चीज़ों में वो अपनी नुमाया कारकर्दगी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे अपनी राइटिंग को भी सुधारें इस दौर में, इस पीरियड में अपना जो वक्त वो ज़ाया ना करें। और हमारे मालेगांव शहर में कई खत्ताती मरकज़ हैं, जहाँ पर जाकर आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं, क्योंकि बच्चों की उमूमा इस उम्र में राइटिंग जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। कम उम्र से उन्हें पेन हम दे देते हैं, तो जिसकी वजह से ख़राब हो रही है। तो आप ये कर सकते हैं, मैं खुद बहैसियत टीचर एक खत्ताती मरकज़ में जा रही हूँ, वहाँ पर जाकर मैं अपने जो उर्दू तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन अरबी जो सीखने का मेरा लिखने का जो शौक़ था, वो मैं अपना पूरा कर रही हूँ दरस तदरीस के साथ। क्या बात। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं,
ये खास तौर पे अपने इस वक्त को ज़ाया मैसेज दिया है मैडम ने कि एक वक्त को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ठीक है कोरोना महामारी की वजह से स्कूलें बंद हैं, निज़ाम तालीम मुतासिर है, लेकिन हम अपने फ़नून को, हम अपनी सलाहियतों को हम बिल्कुल इस वक्त में जो है वो अपने म्यार पे ला सकते हैं, उसमें निखार ला सकते हैं और अपने अपनी सलाहियतों में हम इजाफा कर सकते हैं। बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार फ़न हैं जिसका हम बाकायदगी से सीख कर जो है सही वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छे मशवरे आपने तलबा और तालबात को दिए। मैं चाहूँगा कि एक हमारा आखिरी सवाल ये कि आपके अज़ायम क्या हैं, कि आप मुस्तकबिल में, ठीक है अभी तो आप बतौर टीचर अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद आपके और भी कुछ अज़ायम हों, तो वो भी हमारे नाते। मेरा दर्स तदरीस से वाबस्ता रहना ये तो मुझे विरासत में ही मिला है। अच्छा। मेरे वालदैन भी टीचर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसी फील्ड में मैं थोड़ा अच्छी कारकर्दगी करूँ और सीखूँ। दिन ब दिन मैं सिर्फ बच्चों को सिखाने का ही काम नहीं बल्कि सीखती भी रहती हूँ। और एक अच्छा इंसान वो होता है जो कि एक ही चीज़ को नए नए तरीक़ों से सिखाए ताकि बच्चे भी उसको सीख सकें, तो मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने सिविल सर्विसेज के भी इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। कि मैं उसकी भी स्टडी कर रही हूँ, दुआएं कीजिए। और जो उस्ताद होते हैं सर, वो मेमारान कौम कहलाते हैं, है ना, तो उनसे देखकर ही तलबा सीखते हैं। तो हाँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने अंदर इतनी सलाहियतें इल्म हासिल करूँ कि मेरे तलबा अगर जो मुझको कुछ देख रहे हैं तो वो कुछ मुझसे सीखें और आगे बढ़ें और एक अच्छे मुआशरे की तक। यकीनन एक अच्छा अज़्म लेकर जो है कनीज़ फातिमा मैम जो है वो आगे की तरफ रवा दवा हैं, अपने तालीमी सफ़र को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, फिर अपने शौक़ की भी तकमील कर रही हैं, साथ ही साथ अपने इस दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता भी रहना चाहती हैं और सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहती हैं। ढेर सारे अज़ायम हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और आपने अपना कीमती वक्त रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सर कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपने बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की। मेरे इस मैसेज को तमाम तलबा तक पहुँचाने का आपका ये जो अज़्म है उसकी भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।